अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेरिडोफाइट्स के बारे में है। बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 8 है जो कि ट्रेकियोफाइट्स से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वास्कुलर प्लांट्स के बारे में, वास्कुलर प्लांट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देन फिर वास्कुलर बंडल्स के बारे में हमने देखा, फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में, और फिर स्टील की जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है उनको एक्सप्लेन किया। उससे नेक्स्ट पोर्शन है टेरिडोफाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स को। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसको रीडिंग करेंगे साथ साथ एक्सप्लेन भी। वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, और वास्कुलर से मुराद है जिसके अंदर जाइलम वेसल, जाइलम फ्लोएम होता है। क्रिप्टोगैम्स कहते हैं वास्कुलर प्लांट, ऐसे वास्कुलर प्लांट जो अपने रिप्रोडक्शन स्पोर के जरिए करते हैं। सीडलेस प्लांट, एज असेंबलेज ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर। टेरिडोफाइट्स असल में कौन से प्लांट है? ये वो प्लांट है जो है तो वास्कुलर लेकिन अपनी रिप्रोडक्शन अभी भी किसके जरिए करते हैं? स्पोर्स के जरिए करते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट्स को हम लोग क्रिप्टोगैम्स या टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स हैव सर्टन करेक्टर्स नॉट फाउंड आइदर इन ब्रायोफाइट्स आर इन सीड प्लांट। अब इनके पास कुछ ऐसे बॉडी करेक्टर है ना तो वो पीछे, इनसे पीछे जो कि ब्रायोफाइट्स है उनमें भी नहीं है, ना ही इनके बाद जो एवोल्यूशन के नतीजे में सीड प्लांट बने ना ही उनके पास ऐसे बॉडी करेक्टर है। कौन कौन से? दे डिफर फ्रॉम देम इन हैविंग बोथ द गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट प्लांट्स एट मैच्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट द मैनर स्पोरेंजिया आर बोर्न एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया द टेरिडोफाइट्स कैन कॉमनली बी डिफरेंशिएटेड एज साइलोफाइट्स लाइकोपोर्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स। अब देखिए ये जो जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं इनकी जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है मैच्योरिटी पे जाके। स्पोर्स के जरिए ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी जो गैमेटोफाइट है वो अपनी खुराक खुद बनाती है, जो स्पोरोफाइट है वो अपनी खुराक खुद बनाता है, गैमेटोफाइट अपनी खुराक खुद बनाती है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। लेकिन इसके मुकाबले में जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के बारे में, वहां पे क्या था कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफाइट पे। लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब टेरिडोफाइट्स के चार बड़े ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? साइलोफाइट्स हैं, लाइकोपोड्स, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। द टेरिडोफाइट्स हैव अ लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सिलोरियन। अब देखिए टेरिडोफाइट्स कि यहाँ पे इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में जो जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, खासतौर पर कौन से? टेरिडोफाइट्स है, इनकी एवोल्यूशन आज से 400 मिलियन साल पहले ये दुनिया में यानी के सामने आए। दे फ्लोरिश वेल फ्रॉम डिवोनियन टू पेंसिल्वेनियन पीरियड्स ऑफ द लेट पैलोजोइक विच इज यूजुअली रिगार्डेड एज द एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब लेट पैलोजोइक जो पीरियड है वो क्या है? वो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स है। देयर ट्री फॉर्म्स गेट हॉर्सटेल एंड आर्बो लाइकोपोर्स डोमिनेटेड द लैंडस्केप ड्यूरिंग दिस इरा। The plant bodies of earliest non-pteridophytes were rootless and leafless. In certain cases, small leaves without vein are present in branches. अब जो अर्ली वास्कुलर प्लांट थे उनके पास अभी भी प्रॉपर लीफ नहीं थे लेकिन उनके ऊपर कोई आउटग्रोथ थी, ठीक है? क्या थी उनके ऊपर? रूटलेस से, लीफलेस से, लेकिन उनके ऊपर क्या थी? स्मॉल आउटग्रोथ थी जो कि वेनलेस थी। The sporangia were born singly at the tip of branches. The sporangia resemble those of bryophytes. They are commonly termed as xylophytes. Xylotum and Massipteris are two living pteridophytes which have retained these old primitive characteristics. The present-day lycopods, Lycopodium, Isoids, Selaginella and Sphenopsids ecosystem are true copies of their ancient ancestor that reach 120 feet in some cases. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इस वक्त कौन से दो लिविंग टेरिडोफाइट्स जो कि एंशियंट भी है, जो कि स्टार्ट से चले आ रहे हैं, वो है मैसिपटेरिस है और साइलोटम है। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स के जनरल अकाउंट फीचर्स। सबसे पहले है इनका हैबिटेट। द टेरिडोफाइट्स ग्रो इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स
Most pteridophytes are terrestrial plants and grow well in abundant moisture and shade, while some flourish in open, dry, xeric condition. A few are aquatic, while still others are epiphytic. तो pteridophytes ये तकरीबन हर तरह के environment में पाए जाते हैं. Terrestrial plant भी है और जहाँ पे नमी वगैरह shade होता है या वहाँ पर भी grow करते हैं, dry condition में भी grow करते हैं. और बहुत सारे ऐसे pteridophytes हैं जो कि epiphytic हैं, अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं. अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी होती है. इनकी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. इट कंसिस्ट ऑफ अ शूट सिस्टम मेड अप ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. सम प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स वर रूटलेस, रीफलेस एंड फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. जो शुरू वाले टेरिडोफाइट्स थे वो क्या थे, रूटलेस थे और लीफलेस थे. दीज कंसिस्टेड ऑफ अ डाइकोटमसली ब्रांचिंग एक्सिस. अब जो अर्ली और प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं, वास्कुलर प्लांट है, उनकी बॉडी में जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो डाइकॉटमस है, यानी हर एक ब्रांच से दो दो ब्रांचेस अराइज होगी, बेरिंग राइजाइट्स ऑन द ग्राउंड पार्ट ऑफ एक्सिस विच एक्टेड एज एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर. अब जो अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट थे, अभी उनके पास जाइलम फ्लोएम तो था, लेकिन उनके पास अभी प्रॉपर रूट नहीं थी, उनके पास क्या था, अभी भी प्रॉपर यानी कि अभी भी उनके पास राइजाइट फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. द मॉडर्न सर्वाइवर ऑफ साइलोफाइट, साइलोटम एंड मैसीपर आर आल्सो रूटलेस. अब जो इस वक्त एंशियंट टाइम के जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो इस वक्त भी ग्रो कर रहे हैं, उनमें दो लिविंग टेरिडोफाइट हैं, कौन कौन से, साइलोटम और मैसीपटेरस, जो कि रूटलेस है. The roots originated during later phases of growth. ये है इनकी प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी क्या है टेरिडोफाइट्स की, इनकी जो जो इनमें स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, जिसके पास स्टेम, रूट, लीव्स है, लेकिन जो अर्लीस्ट टेरिडोफाइट्स है उनके पास अभी भी रूट्स नहीं. अब इनका देख लेते हैं स्टेम. स्टेम कैसा है, द शूट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एट देयर टिप्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग एंड ऑर्गन फॉर्मेशन. The shoot exhibit two type of branching. आप देखें दो तरह की branches है. पहली branching pattern कौन सा है इनका, dichotomous है. Dichotomous में ये होता है the root or shoot apex divide into two sister apexes, each developing into a branch of equal size. यानी equal size की हर एक branch से दो दो branches arise होती है. इसकी example क्या है, xylotum. दूसरा ब्रांचिंग पैटर्न क्या है, मोनोपोडियल. मोनोपोडियल क्या होता है कि इन दिस टाइप द ब्रांचेस डेवलप लेटरली सम डिस्टेंस बिहाइंड द मेन शूट एपिक्स फ्रॉम एक्सिलरी बड. यानी कि वो जो शूट या शूट की टिप पे, खास तौर पे एपिक्स की टिप पे जो बड होगी उससे थोड़ा सा पीछे से ब्रांचेस अराइज होगी, और इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न हमें सीड प्लांट में भी हमें नजर आता है कि जो नई ब्रांच अराइज होगी वो उसकी टिप से अराइज नहीं होगी, बल्कि टिप से थोड़ा सा पीछे एपिक, बिहाइंड द एपिक्स, वहां से ब्रांचिंग अराइज होगी. इस तरह के पैटर्न को क्या कहते हैं, मोनोपोडियल. यानी एक ब्रांच टिप पे रहेगी, उससे पीछे दो ब्रांचेस अराइज होंगी, अगर टिप वाली ब्रांच से फिर दो दो ब्रांचेस अराइज हो वो होगा डाइकॉटमस. डाइकॉटमस में क्या होगा, ब्रांच की जो टिप होगी उस टिप से दो ब्रांचेस अराइज निकलेगी, जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है. जबकि मोनोपोडियल में क्या होता है कि बिहाइंड द एपिक्स ब्रांचेस अराइज होंगी. ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचेस. अब आगे आ रहा है लीफ. द मोस्ट प्रिमिटिव फॉसिल टेरिडोफाइट्स रेनिया वाज लीफलेस. अब हमें जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉसिल टेरिडोफाइट्स का मिलता है उस प्लांट का नेम है रेनिया, जो कि लीफलेस था. द एक्सेस ऑफ लिविंग जीनस साइलोटम आल्सो बेयर स्मॉल अपेंडेजेस विदाउट वास्कुलर सप्लाई. अब उसके बाद साइलोटम में भी क्या था, इनके पास भी वास्कुलर सप्लाई, जो अपेंडिक्स स्मॉल उनके ऊपर बर्ड्स थी जिसके अंदर वेन लेस थी, उनमें भी वास्कुलर सप्लाई नहीं थी. इन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला दीज अपेंडेजेस आर स्मॉल बट लीफ लाइक, बट इन आइसोइड्स द अपेंडेजेस हैव अटेंड अ कंसीडरेबल लेंथ. अब टेरिडोफाइट्स के अंदर दो तरह के लीव्स मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, माइक्रोफिल्स. माइक्रोफिल्स क्या होते हैं, ये सिंपल वास्कुलर सिस्टम होता है. इन पत्तों के अंदर सिंगल वेन होती है, यानी अनब्रांच्ड वेन होगी, अनब्रांच्ड वेन होगी, और इनके अंदर जो वेन की अरेंजमेंट होगी वो पैरेलल वेनेशन होती है. और इसकी मिसाल क्या है, इकोसिस्टम है. ये आप लोगों को नजर आ रहा है ए डायग्राम में, देखें ए डायग्राम में देखें, ये पत्ता है, पत्ते के अंदर सिर्फ एक ही मिड रिब होगी, डिवाइडेड नहीं होगी ये, जबकि इसमें क्या है, उसकी ये ब्रांचेस है,
ठीक है, ये है माइक्रोफिल और ये क्या है मेगाफिल। माइक्रोफिल पत्ते में क्या होता है, सिर्फ एक ही वेन होती है, जबकि मेगाफिल पत्ते में क्या होती है, वो जो वेन होगी सेंटर वाली जिसे मिड रिब कहती है, वो क्या होगा डिवाइडेड होगी, उससे ब्रांचेस अराइज होगी। तो ऐसे पत्ते को क्या कहते हैं, मेगाफिल्स कहते हैं। इकोसिस्टम में अंदर सिंपल वे सिंपल लीफ है, मेगाफिल क्या होगा, इट इज अ लार्ज लीफ कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ टू आर मोर वेन, द लीफ ट्रेसेस आर कंपेन्ड बाई लीफ गैप, द विनेशन इज ओपन डाइकॉटमस, द वायलेट्स आर डाइकॉटमसली ब्रांच एंड टर्मिनेट फ्रीली, द मेगाफिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स लीव्स ऑफ फर्न्स। यानी उस मेगाफिल में क्या होगा कि वेन होगी पत्ते के सेंटर में जिसे मिडरिब कहते हैं, उससे ये ब्रांचेस अराइज होंगी। तो इस तरह के पत्ते को क्या कहते हैं, मेगाफिल कहते हैं। ये है टेरिडोफाइट्स बॉडी की, टेरिडोफाइट्स प्लांट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग इसे रीड करोगे, और जहां कहीं पर भी आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन है और जनरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स है, जहां कहीं पर भी आप लोगों को इसका कोई डिफिकल्ट पॉइंट आता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे। अगला लेक्चर हमारा ये होगा कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो कि वास्कुलर प्लांट है, उनमें लीफ की ओरिजिन कैसे हुई, लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई, इसको हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग ऊपर वाले पैराग्राफ को रीड करें और कहीं पर भी कोई डिफिकल्ट पॉइंट आता है उसके स्टेम के बारे में, रूट के बारे में और लीफ के बारे में, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीफ। तब तक आप लोग मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।